हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आईडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। इसके अलग अलग चैनल्स है, ये एक मीडिया कंपनी है जैसे कि साधना, ईश्वर, भक्ति, ये सब इसके पर्टिकुलर चैनल्स है। और इसके न्यूज़ चैनल भी जैसे आप देख सकते हैं, साधना न्यूज़ है, साधना प्लस है, VIP न्यूज़, ये अलग अलग न्यूज़ चैनल्स भी है इसके इस कंपनी के। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के अगर स्टॉक का प्राइस देखते हैं तो अभी 17 रुपये चल रहा है, लगभग 17 रुपये 80 पैसे। और ये बहुत दिनों से अपर सर्किट में, लगभग 8 जुलाई से अपर सर्किट में ही चल रहा है। तो इसका जो रिटर्न है अभी तो काफ़ी अच्छा है इस साल, जैसे 6 महीने में 850, 1 साल में लगभग 1500 गुना। तो स्टॉक 1 रुपये से बढ़ के 17-18 रुपये तक आ गया। तो अभी इसमें जो न्यूज़ निकल कर रही है वो क्या है कि मैंने BSE की वेबसाइट से एक लेटर डाउनलोड किया हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि 25 को यानी आज मंडे को इसका क्वार्टर रिजल्ट आने लगा था, परंतु कैंसिल होके बोर्ड ऑफ मीटिंग 27 तारीख को हो गई है, जो कि बुधवार को हो गई है। तो बुधवार को आपको इस शेयर पर नज़र रहना चाहिए और क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से ये शेयर ऊपर नीचे हो सकता है। अभी अगर मैं BSE की वेबसाइट में जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो कि 30 लाख क्वान्टिटी ट्रेडेड हुई है, डिलीवरी भी उतनी है। और परसेंट ऑफ डिलीवरी देखिए 100% है, लोगों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है और लोगों को पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और दूसरी बात है, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर ट्रेंड लाइन में देखता हूँ तो 100 में से इसको 80% बोला गया, जो कि टेक्निकली बुलिश बताया गया एनालिस्ट की राय है। 9 अगर पॉइंट स्ट्रेंथ को दिया तो 5 वीकनेस को दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस शेयर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग 15 जुलाई को 10 दिन पहले, कि इसका पूरा एनालिसिस करके दिखाया था आपको कि ये शेयर कैसे बिहेव करेगा, कैसा करेगा। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 25 तारीख को इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो अभी ये कैंसिल के 2 दिन बाद आने वाला है। तो आप मेरे इस अगर पूरा आपको पूरा एनालिसिस देखना है तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। और आज मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि इस शेयर में अगर आगे क्या होगा, अगर क्वार्टर रिजल्ट डाउन आता है तो मैंने इसके स्क्रीनर में लगाया पैरामीटर, तो इस कंपनी के थोड़े हाई है क्योंकि अभी बहुत अपर सर्किट में चल रहा है। आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस इंडस्ट्री बेस 10 गुना है, उसी प्रकार इंट्रेंसिक वैल्यू से इसकी वैल्यू कम से कम आप देख सकते हो 15 से 30% ज़्यादा है, तो 30 गुना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू अभी हाई है, ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं इसको। क्वार्टर रिजल्ट में देखोगे तो लास्ट 4 क्वार्टर की बात करते हैं, देखिए जून से इसका जो क्वार्टर आया 2021 से बात करते हैं, 2021 से इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव है, एकदम क्वार्टर टू क्वार्टर जंप किया है। इसलिए इसका जो शेयर शेयर आप देख सकते हो 2021 से 1 रुपये से बढ़कर सीधा 17 रुपये में गया, और वो भी धीरे 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 गया, ऐसा नहीं कि एकदम रॉकेट की तरफ अपर सर्किट लगा और ऊपर भाग गया, धीरे धीरे गए। परंतु मार्च में देखिए निगेटिव आया 3 करोड़ का, और अभी जो जून का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है जो 2 दिन बाद आएगा फरवरी में, सॉरी वेडनेसडे को, बुधवार को, अगर वो निगेटिव आता है फिर से तो ये शेयर हो सकता है कि निगेटिव जाए। परंतु इसके बाद भी अगर ये 2 क्वार्टर का रिजल्ट निगेटिव आने के बाद ये शेयर बुलिश रहता है और ऊपर ऊपर भागता है, इसका मतलब ऑपरेटर इसमें प्ले कर सकते हैं रोल। तो ये संभावना है कि अगर निगेटिव आता है तो ये शेयर धीरे धीरे निगेटिव जाएगा, परंतु एकदम स्ट्रेट वे में एकदम स्पाइक होकर एकदम जैसे सडनली ऊपर गया और सडनली नीचे, वैसा तो होगा नहीं इसमें। तो आपने अगर इसको खरीद कर रखे हो तो होल्ड कीजिएगा, और अगर इसमें एंट्री बनाना चाहते हो तो ये वैल्यू अगर आपको 10 रुपये के लगभग अगर मिलता है तो आप इसमें एंट्री बना लेने की कोशिश, न्यू एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वार्टर का रिजल्ट देखने के हिसाब से आप इसमें प्ले करोगे गेम की कैसा करना है, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी प्रकार की यूज़फुल जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।